अगर ये मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, हमारे पास आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू जवाब साइन ऑफ थीटा। अब देखें ये जब हमारे पास मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हेन मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा ना तो फिर हमारे पास क्या आएगा, व्हेन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन। तो मतलब जब साइन ऑफ थीटा वन के इक्वल हो जाएगा तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, और इसका हमारे पास फॉर्मूला बनेगा नवाब, क्योंकि साइन ऑफ थीटा की जगह पे वन आ गया। तो फिर देखें, फिर आप लिख सकते हैं ये जो नवाब साहब हैं इनकी जगह पे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा, या आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी लिखें। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज करेंगे। अब देखें करंट के बारे में आप लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर के इक्वल होगा, हम ओहम्स लॉ पढ़ते हैं ना, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है एप्सिलॉन के साथ, तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर। तो एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू जब आप यहां पे पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू नवाब ओवर आर इन टू साइन ऑफ थीटा, और जब आप यहां पे लिखेंगे व्हेन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन देन आई करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो नवाब ओवर आर, साइन ऑफ थीटा जब हमारे पास वन के इक्वल हो गया तो जो करंट है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट के साथ। तो आप देखें इस फॉर्मूला में नवाब ओवर आर की जगह पे आई नॉट लिखा जा सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये वाले इक्वेशन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ एक चीज आगे बाकी रह जाती है कि जी जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को क्यों रिवर्स कर रहा है, करंट अपनी डायरेक्शन को कब रिवर्स कर रहा है और क्यों रिवर्स कर रहा है। मेरा ख्याल है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें आप इतना इसको तैयार कर लें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।